हेलो एवरीवन सो ब्राउन सिकोर्ट सिंड्रोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी इन स्पाइनल कॉर्ड वी नीड टू नो व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दैट ब्राउन सिकोर्ड सिंड्रोम प्रेजेंट्स सो इस वीडियो में हम उसे अच्छे से जानेंगे यदि आपने अभी तक असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स और अपर मोटर न्योन वाले वीडियोज ना देखे हो तो इसके बाद जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है उसकी और मैंने बेसिक्स कवर किया है तो अभी आप समझ जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं ब्राउन सिकोर्ड सिंड्रोम से यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें तो बेसिकली आप ब्राउन सेक्वर्ड सिंह क्यों पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं कि आप जिस दिन ओपीडी में बैठे होंगे और बेसिकली एक पेशेंट आएगा विद यू नो स्टेप वुंड और गनशॉट इंजरी सो दिस मे लीड टू हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड नाउ द द हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कैन बी कंप्लीट कैन बी इनकम्प्लीट मोस्टली इट इज इनकम्प्लीट कंप्लीट इज नॉट दैट कॉमन बट नाउ वॉट वी नीड टू नो इज दैट हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ब्राउन सेक्वर्ड सिंड्रोम ओके सो ब्राउन सेकोड सिंड्रोम में आपको पता है कि जो लीजन है वो इन्वॉल्व कर रहा है एक हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ओके सो जो एक हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है वो क्यों इन्वॉल्व है ड्यू टू द वेरियस कॉजेस या तो आपका स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर हो सकता है जो कि कंप्रेस कर रहा है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को देयर कैन बी अ ट्रोमा एज यू डिस्कस गुंड एंड स्टेप वुंड एंड देयर कैन बी अ डीजेनरेटिव डिस्क डिसीज ओके और साथ ही साथ देयर कैन बी इश्कीमिया ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है स्पाइनल कॉर्ड को तो स्पाइनल कॉर्ड इश्कीमिया भी हो सकता है ट आर दस मैनिफेस्टेशन वी गेट सो उसके लिए हम पहले इतना बेसिक्स पता होना चाहिए कि आपको पता है कि यदि आपका कोई भी आप यहाँ से सेंसेशन या तो अगर आप हॉट अगर आप कोई भी यूटेंसिल तो टच करते हैं या फोन का वाइब्रेशन कुछ भी होता है तो बेसिकली दोनों टाइप के आपके सेंसरी जो आपको मेन पाथफेज याद रखना है वो यहाँ से असेंड करके ऊपर जाएंगे और जब ब्रेन को रिस्पॉन्स देना होगा तो वो मोटर के थ्रू नीचे पहुंचाता है सो so, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए इसमें क्रॉसिंग हो रही है है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डॉर्सल कॉलम वो बेसिकली से सीधा सेंड करके मेडुला के लेवल पे सेंसरी डिकसेशन होता है बट जो हमारा स्पाइनोथेलेमिक है इट डिक्स हियर ओनली ओके एंड मोटर न्यूरोन की तो आपको पूरा अच्छे से कहानी पता होना चाहिए कि लोअर मोटर न्यूरोन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर से बनता है और उसके पहले ये सब मेडुलरी मेडुलेशन होता है

को कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो यूएमएन अगर लीजन हो गया है एलएमएन को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो बेसिकली एलएमएन ओवर एक्टिविटी करता है तो वो सब चीजें आप उधर देख सकते हैं अब अभी हम बात करते हैं बेसिकली जो हमारा हेमी सेक्शन है हमें उसको तीन लेवल्स पे पढ़ना है चेंजेस एट द लेवल फिर बिलो द लेवल एंड अबव द लेवल ओके सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सटेंसिव है दिस इज योर बिलो द लेवल ऑफ लीजन तो बिलो द लेवल ऑफ लीजन में क्या है आपको कैसे देखना है सेम साइड सेंसरी चेंजेस सेम साइड मोटर चेंजेस एंड देन ऑपोजिट साइड तो सेम साइड में देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है बस विजुअलाइज करना है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड है सपोज इधर लीजन है राइट साइड कैलू में यदि तो आपको बिलो में क्या देखने को मिलेगा और लोवर अब क्या देखने को मिलेगा सो बिलो में काफी आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो भी इस साइड का आपका डॉर्सल कॉलम का पाथवे होगा वो डैमेज हो जाएगा जबकि जो आपका स्पाइनोथेलेमिक है वो एक दो स्पाइनल सेगमेंट ऊपर चढ़ के क्रॉस ओवर हो जाता है तो वो यहाँ पे बच जाएगा वो वो अगर अफेक्ट होगा तो ऑपोजिट साइड का अफेक्ट होगा जो कि इधर क्रॉस होकर आ रहा था सो so बेसिकली हम क्या देखेंगे कि जो आपका अगर सेम साइड की मैं बात करूं जिधर लीजन हुआ है उसी के सेम साइड सेंसरी चेंजेस सो आपको पता है कि अब कौन सा जाएगा डोरसल कॉलम तो बस आपको कुछ नहीं करना है के जो आपको याद है उस निमोनिक से वो लिख देना है कि दीज आर लॉस्ट और जो बचा हुआ है जो आपका क्या का है स्पेनोथेलेमिक ट्रेक्ट का वो बेसिकली क्रॉस क्रॉस ओवर कर गया तो वो अनअफेक्टेड हो गया तो उसके फंक्शंस लिख दीजिए दिस रिमेंस अनफेक्टेड एट डेस्ट क्रॉसेस टू अपोजिट साइड

तो वो वही कह रहे हैं कि कुछ फाइबर्स आपके जैसे जो सपोज इसी के आपके फाइबर्स थे वो कुछ फाइबर्स इधर बच चुके हैं तो और ये नीचे जाके बाद में लोअर मोटर न्यूरॉन बनाएंगे और आपकी इस साइड की मसल को सप्लाई करेंगे तो ये भी डिकसेट करते हैं है ना बट यहाँ पे ये बच जाएंगे तो ये आपको ट्रैक्स इसलिए बहुत क्लियर होना चाहिए अगर आपको इसके सिमटम समझ में आने चाहिए तो सम फाइबर ऑफ पिरामिडल ट्रैक ऑफ अपोजिट साइड एस्केप इंजरी तो वो उधर की मसल को सप्लाई कर देंगे तो सेम साइड में लगभग पूरा मोटर पैरालिसिस होगा पर हो सकता है कुछ मसल आपकी बची रहे ठीक है अब मोटर की बात है तो बेसिकली med टेम्पर तो तो फिर क्या होता है इसके कारण से क्या होगा कि जो आपका ब्लड वेसल्स है अब आपको पता है कि वीएमसी का लॉस हो गया तो बेसिकली ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी बीपी फॉल होने लगेगा तो फिर बाद में जो बचे हुए लेटरल हॉर्नसेल है स्पाइनल वो स्टार्ट कर देंगे एक्टिंग एज सप्लीमेंट्री वीएमसी और आपका सारी फिर कर, ये टोन वापस आ जाएगी बट वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपका मोटर डैमेज हो चुका है तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए इसके लिए अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर एक बार देख रखा हो तो भी जाके रिवाइज जरूर करें उसमें डिटेल में हर ट्रैक को बताया है सो so, अब आपको बचा है अपोजिट साइड तो आपने सेम साइड में देखा सेंसरी ज्यादा नहीं है मोटर ज्यादा है ठीक है में क्या होगा? अब में आप मुझे खुद बता देंगे ऑपोजिट साइड में क्या अफेक्ट होगा? होगा आपका स्पाइनोथेलेमिक सो बेसिकली ऑन द ऑपोजिट साइड सेंसरी चेंजेस क्या होगा अब आपको क्या करना है जो भी स्पाइनोथेलेमिक का फंक्शन है वो लॉस हो गया है और बाकी जो आपका पोस्टीरियर कॉलम का फंक्शन है वो नहीं डैमेज है तो वो सेम रहेगा So, इससे क्या समझ में आया और मैंने कहा था आपको main, इसको मानते हुए चलना है 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 में so, मैंने क्या देखा कि आप, opposite side, sensory loss बहुत है, और same side, motor loss बहुत ज्यादा ज्यादा और तो इसी को हम Brown Syndrome कहते हैं लेवल ऑफ लीजन ऑन सेम साइड एक्सटेंसिव मोटर लॉस लिटिल सेंसरी लॉस ऑपोजिट साइड एक्सटेंसिव सेंसरी लॉस लिटिल मोटर लॉस सो ये हमें बहुत अच्छे से ऑन टिप्स होना चाहिए बेसिकली आप इसको फिर बहुत शॉर्ट में बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि आपको सेम साइड में किसको गायब करना है डॉर्सल कॉलम को और इसको मोटर न्यूरॉन को और जो आपका ऑपोजिट साइड है उसमें आपको बेसिकली स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट पर ध्यान देना है सो so, एड शॉर्ट बहुत क्रिस्प हो जाता है बट आपको डिटेल में जानना है तो आपको इतना पता होना चाहिए अब आपको बाकी लीजन साइड्स का ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है आप कॉमन सेंस से ही बता देंगे कि जैसे ही आपका एट द लेवल ऑफ लीजन आएगा तो एट द लेवल ऑफ लीजन में ना तो सभी डैमेज हो जाएगा पूरा कंप्लीट आपका ट्रैक्ट गया आपको पता है कि जो आपका ग्रे मैटर है इनर और जो व्हाइट मैटर है बाहर तो व्हाइट मैटर में ट्रैक्ट है ग्रे मैटर में, में न्यूक्लिया है तो वो जो है पूरा डैमेज होता है तो इसके कारण से आपका जो सेंसरी चेंजेस आएंगे ऑन द सेम साइड कंप्लीट एनेशिया होगा सब डैमेज हो रहा है नर्व रूट हॉर्नसेल्स स्पाइनोथेलमिक फाइबर सब ठीक है मोटर चेंजेस में भी वही है अब यहाँ पे आपका जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो बेसिकली एंटीरियर हॉर्न सेल से राइज होता है ये आपको सब बता चुका हूं मैं तो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस पे देखने को मिलेगा क्योंकि वो चीज ओरिजिन ही नहीं हो पा रही है और जो वेजो मोटर पैरालिसिस था वो अगेन कंप्लीट है क्योंकि अब तो आपके जो नॉर्मल लेटरल हॉर्न सेल्स थे वो आगे चल के हो सकता था कि यू नो रिकवर कर रहे थे हमने देखा था जो इंटेक्ट है बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा सो so कंप्लीट हो चुका है और ऑपोजिट साइड में यदि देखें तो ऑपोजिट साइड में अगेन इतना चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है कि क्रॉसिंग में क्या होता है और अभी हम पूरा स्पाइनल कॉर्ड भी कर चुके हैं तो वो उस सेक्शन का ट्रैक्स पूरा चले गया है तो ऑपोजिट साइड में सेंसरी चेंजेस सम लॉस ऑफ पेन सेंसेशन और मोटर चेंजेस में नील या वेरी स्लाइट क्योंकि जो सम पिरामिड है वो क्रॉस नहीं होते है सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो एट द लेवल ऑफ रीजन अगेन आई वुड फोकस मोर इज इंपॉर्टेंट एज बिलो द लेवल At the level is just you know, a kind of that everything is damaging and then the changes above the level. So above the level में क्या होगा Basically जो आपके अपर कट एंड है damaged fibers के वो इरिटेट करेंगे तो irritate करेंगे तो hyperesthesia मिलेगा और अपोजिट साइड में ये किसी और पॉइंट पे रेफर हो सकता है टू सम अदर लोकेशन सो नथिंग मच टू बी नोन अबाउट दैट नाउ वॉट यू नीड टू नो इन डिटेल और स्लाइट डिटेल इज किस लेवल पे हेमिस एक्शन हो रहा है Usually अगर आप नाइफ वुंड वुंड देखेंगे देखेंगे तो गले में अगर मारा है या वो वो सब उस एरिया में डिपेंड करता है तो अगर हेमी सेक्शन आपका सर्वाइकल रीजन में है तो सर्वाइकल रीजन में आपको हेड एंड नेक में भी काफी क्लियर होगा कि कहाँ से क्या फाइबर्स आ रहे थे तो जो आपका प्यूपिल है वो कंस्ट्रक्ट कर जाएगा सेम साइड का क्योंकि जो प्यूपिलरी डायलेशन फाइबर्स होते हैं जो प्यूपिल को डायलेट करते हैं मेड्यूलर से आते हैं टी वन टी रूट से जाते हैं वो डैमेज हो चुके तो अल्टीमेटली आपका प्यूपिल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा साथ ही साथ अगर आपका सी फोर फाइव सिक्स ये सारे फिजियोलॉजी में आपने जो रिफ्लेक्सेस पढ़ते हैं वो उसकी नर्व रूट यहाँ इंपॉर्टेंट रहती है बाइसेप्स ट्राइसेप्स सुपिनेटर प्रोनेटर सारे जर्क्स चले जाएंगे सी फोर फाइव सिक्स इन्वॉल्वमेंट में और अगर फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो काफी डेंजरस डायफ्राम का पैरालिसिस हो सकता है साथ ही साथ लंबर रीजन की यदि हम बात करें तो लंबर रीजन में बेसिकली एल थ्री एल फोर नीज एंड डिस्टर्बेंड मिक्सूरेशन लंबो सेक्राल रीजन में आपका लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर फिंगस्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड एन

सो यू एम एन एलेमेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे सो एलेमेन के जो भी ओवर uh, एक्टिविटी है वो होगा एलेमेन पॉलिसी है तो कोई टारगेट देने के लिए कोई सिग्नल ही नहीं है तो एकदम टोन लॉस हो जाएगी सो so, ये सब चीज़ें आप इसको एलेबरेट करके समझ सकते हैं सो दिस इज़ ऑल वॉट यू नीड टू नो सो अगेन आई वुड सजेस्ट यू दैट इफ यू हैव नॉट लर्न एनी ऑफ द ओल्डर वीडियोज़ एंड राइट नाउ दिस ट्रैक्स एंड ऑल दिस सो काइंडली रेफर फ्रॉम दैट एंड नाउ द असेसमेंट क्वेश्चन सो क्वाइट ईजी सो वॉट विल दिस कॉ यू शूड नो वेरी वेल सो अगेन Thank you. Stay safe, stay healthy, and do share this initiative with your friends. Okay.